हेलो फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर की काफ़ी कंपनियां हैं जो कि हम लोग जानते नहीं हैं, और मैं यही ट्राई करते रहता हूँ कि आपको अच्छी अच्छी कंपनियां बताओ, क्योंकि जनरली हम लोग इन्फोसिस, विप्रो, एसीएल, बिरला सॉफ्ट, इनके पीछे भागते रहते हैं, और हमें जो अच्छे जेम शेयर्स होते हैं जो कम रेट में मिलते हैं, जो कि कल के मल्टीबैगर भी हो सकते हैं, और दूसरी बात वो मूवमेंट भी फास्ट देते हैं दोस्तों, प्रॉफिट भी अच्छा देते हैं शॉर्ट टर्म में एज़ कम्पेयर टू द बिग शेयर्स। तो उसी में से एक कंपनी का नाम है राम इन्फो लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों आईटी सेक्टर की कंपनी है, इसके इंडिया में और ओवरसीज़ भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं। फ्राइडे का इसका क्लोजिंग था 65.60 रुपीज़, एंड 52 वीक हाई था 77 रुपीज़ का। इसका पी आप देखेंगे तो 8.50 का पी है, जो कि बहुत ही अंडरवैल्यूड कंपनी है अभी भी। ईपीएस है 8 का, जो कि बहुत ही शानदार है 65 रुपीज़ के रेट के हिसाब से। डेट टू इक्विटी रेशियो बात करेंगे तो 0.14 का है। कंपनी करीब करीब डेट फ्री है, तो सब एंगल से बहुत ही अच्छा है ये कंपनी। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 38% प्रोमोटर्स के पास है। एफआईआई का कोई इसमें स्टेक नहीं है, और डीआई का स्टेक है 0.01%, तो डीआई का थोड़ा बहुत स्टेक इसमें है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2020 में प्रॉफिट था 71 लाख रुपीज़, जून 2021 में बढ़कर हो गया 1 करोड़ 89 लाख रुपीज़, एंड सितंबर 2021 में बढ़कर हो गया 2 करोड़ 4 लाख रुपीज़। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, राम इन्फो का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा बढ़ा है, और ये अभी 50 DMA के सपोर्ट पर मिल रहा है। कंपनी चार्ट के हिसाब से परफेक्ट चलता है, इसीलिए आप इसको बाय करेंगे तो शायद मार्केट की गिरावट में भी गिरेगा नहीं, ऊपर ही जाते हुए दिखेगा आपको। परसों भी इतना कुछ गिरा नहीं है, थोड़ा बहुत ही गिरा। दूसरी बात, इसका ग्राम नंबर है 76 का और हमें मिल रहा है 65 में। इंट्रेंसिक वैल्यू है वूपिंग 120 रुपीज़ का और हमें मिल रहा है 65 रुपीज़ में, तो ऑलमोस्ट इंट्रेंसिक वैल्यू के 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। जब मार्केट चलेगा तो ये शेयर आपको 150 के लेवल पे दिखा सकता है दोस्तों, इसलिए ज़रूर कंसिडर कीजिए राम इन्फो को। थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, एवरेजिंग कीजिए इस मार्केट की गिरावट में, इसको ट्रैक कीजिए। अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी, और इसके बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।